सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, केंद्र सरकार ने लास्ट ईयर ही अनाउंस कर दिया था कि आने वाले समय में भारत में केवल एक ही एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, जिसको इन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET कहा था। उसी का जो ड्राफ्ट है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। क्या कुछ ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट में है, क्या किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, कौन कौन एग्जामिनेशन कराएगा, कौन कौन से एग्जाम्स इसमें इंक्लूड हैं, किस पैटर्न पे होगा, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, वेलकम बैक टू प्राइम टाइम क्लासेस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम बात करेंगे आज NRA और CET के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं NRA है क्या। NRA है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी CET का। CET का एग्जाम आपका NRA के द्वारा करवाया जाएगा। जैसे कि हाल ही में अगर बात करें, अभी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं वो बैंकिंग सेक्टर का IBPS, टाटा, इस तरीके की कंपनीज, रिक्रूटमेंट एजेंसीज कंडक्ट करवाती हैं। तो वो एग्जाम जो CET है वो कंडक्ट करवाने वाले हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने कहा है कि अगर ट्रांसपेरेंसी और ईज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में अगर बात करें, तो करेंटली जो जॉब्स गवर्नमेंट जॉब सीकर्स हैं या फिर गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स जॉब एस्पिरेंट्स हैं, उनको मल्टीपल एग्जाम्स देने पड़ते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, कैंडिडेट्स मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं जो मल्टीपल एजेंसीज शिफ्ट करवाती हैं, एजेंसीज कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है ना। तो अभी करेंटली ये प्रोसेस चल रहा है। फिर इन्होंने कहा कैंडिडेट पे रिपीटेटिव फीस, कैंडिडेट्स को बार बार फीस देनी पड़ती है। जैसे कोई स्टूडेंट SSC, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी कर रहा है तो उसको तीनों में अलग अलग एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ती है। एग्ज़ाम देने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, काफ़ी दूर तक सेंटर्स आते हैं वहाँ जाना पड़ता है, सेवरल टाइम्स जाना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, उनका जो कॉस्ट है स्टूडेंट पे काफ़ी बर्डन पड़ता है, काफ़ी पेमेंट उनको करनी पड़ती है। तो उस वो भी एक तरीके से कॉम्पनसेट होगा इस NRA और CET के कारण। नेक्स्ट इन्होंने कहा है NRA जो है वो रिमूव करेगा दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस करे हैं ये रिमूव करेगा, स्टूडेंट्स के आस्पेक्ट में भी बात करें और रिक्रूटमेंट एजेंसी के आस्पेक्ट में भी। फर्दर इन्होंने कहा है कि कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा Tier 1 का और मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। एक आपका कॉमन एग्जामिनेशन हो जाएगा, जैसे मान लीजिए फिलहाल आप Tier 1 आप SSC का भी देते हैं, बैंकिंग का भी देते हैं, रेलवे का भी देते हैं। अब आपको Tier 1 सिर्फ एक ही देना है और Tier 2, Tier 3 जो है वो आपका फर्दर रिक्रूटमेंट एजेंसीज करवाएंगी, जैसे चलता आ रहा है, चल रहा है अभी। NRA विल रिड्यूस बर्डन ऑन कैंडिडेट्स एज आल्सो रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज, जो मैंने आपको अभी बता दिया। नेक्स्ट अगर बात करें, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट गिव मोर चॉइसेस टू जॉब सीकर्स, ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ चांसेस मिलने वाले हैं। बात करें सेपरेट कॉमन, मतलब आपका जो CET है वो 3 लेवल में होगा। अगर आप ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट लेवल का CET देना है। अगर आपको हायर सेकेंडरी यानी 10+2 का लेवल का एग्जामिनेशन देना है तो आपको 10+2 लेवल का CET देना पड़ेगा। अगर 10th लेवल का एग्जामिनेशन देना है तो 10th लेवल का CET देना पड़ेगा। वहीं इन्होंने नेक्स्ट बात करी कि फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट CET शैल रिप्लेस Tier 1 एग्जाम, जो आपका Tier 1 एग्जामिनेशन हेल्ड बाय SSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और IBPS। ये IBPS, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, SSC जो Tier 1 कंडक्ट कराती हैं वो आप नहीं करवाएंगी, वो CET के थ्रू ही सिलेक्शन होगा। CET टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर Group B and C पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। Group B और C की जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा कौन, CET, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें स्टैंडर्ड करिकुलम एंड डिग्री ऑफ डिफिकल्टी टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, ये भी एक तरीके से आपको डिस्कस किया गया है इसमें। बेस्ड ऑन CET स्कोर कार्ड फाइनल सिलेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। बेस्ड ऑन CET स्कोर फाइनल सिलेक्शन टू बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड Tier 2, Tier 3 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ऐसे कहा है कि आपका जो CET का स्कोर कार्ड होने वाला है उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा, किसके लिए, Tier 2 और Tier 3 एग्जामिनेशन के लिए, जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। नेक्स्ट इन्होंने बात करा है कि CET स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स, जो जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा है कि आपको जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए आपका वैलिड होने वाला है। साल में ये CET एग्जाम 2 बार होगा, आप दोनों बार बैठ सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी इस एग्जामिनेशन के लिए बैठ सकते हैं। तो जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो बेस्ट स्कोर आपका कितने साल के लिए वैलिड रहेगा, वो 3 साल के लिए आपका वैलिड रहने वाला है, ये इन्होंने बताया है। कि कोई अब इसमें नेक्स्ट इन्होंने यही चीज रिपीट करी कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाय द कैंडिडेट्स सब्जेक्ट टू, मतलब इन्होंने यही कहा है कि आप कितनी भी अटेम्प्ट दे सकते हैं अंटिल एंड अनलेस
आपकी जो अपर एज है आप उसको क्रॉस ना कर दीजिएगा, मतलब आपकी एज लिमिट तक आप इसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का यहाँ पे इन्होंने लिमिट नहीं लगाई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें, जो अभी तक मिलता आ रहा है एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी को, वो मिलता रहेगा अभी भी टीयर वन सीईटी के लिए। नेक्स्ट बात करें कि रिड्यूस टाइम टेकिंग प्रोसेस, इससे क्या होगा सीईटी के कारण क्या होगा, आपका जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है सिलेक्शन का वो रिड्यूस हो जाएगा। मिटिगेट्स हार्डशिप्स फॉर कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग इन मल्टीपल एग्जामिनेशन ऑफ मल्टीपल एजेंसी विल सिमिलर एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो इन्होंने यही बात बताई कि अगर कोई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है मल्टीपल एग्जाम्स देने में, मल्टीपल एजेंसीज कंडक्ट करवाती हैं, तो वो भी एक तरीके से यहाँ से ये कॉम्पनसेट कम होने वाला है बर्डन एक तरीके से। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि सी टी टू बी कंडक्ट एट ओवर 1000 सेंटर्स, ठीक है, एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट वन एग्जाम। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ऐसे कहा है कि जो सी टी एग्जामिनेशन होने वाला है वो 1000 सेंटर पे होगा, और ये टारगेट रखा गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक एग्जाम सेंटर तो हो ही हो, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा दूर ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बेटर एक्सेस टू रूरल, अब इससे क्या होगा कि अगर आप गांव में रहते हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वहीं पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको पास की सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंडर प्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स को और वुमेन्स को भी इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, बेनिफिट इसी तरीके से मिलेगा ना कि वुमेन्स वगैरह ट्रैवलिंग करने में उनको प्रॉब्लम्स होती है, गांव के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एग्ज़ाम देने के लिए, रहने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आप सेम डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन आप कंडक्ट होगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट कैन स्केड्यूल टेस्ट चूज सेंटर ऑफ देयर चॉइस। अब क्या होगा कि आप अपने जो एग्जाम सेंटर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ एग्जाम भी आप खुद चूज कर सकते हैं। फर्दर इन्होंने कहा है कि जो आपका एग्जाम स्कोर कार्ड होने वाला है उससे क्या वो कहाँ कहाँ एलिजिबल होगा, वो कहाँ कहाँ यूज़ होगा, तो वो आपका यूज़ हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में भी शेयर किया जा सकता है, यूटीएस के साथ में भी शेयर किया जा सकता है, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर। अब एक तरीके से अगर बात करें कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करा, तो उस प्राइवेट कंपनी भी जो है प्री में आपके जैसे ही आप रिक्रूटमेंट करती है, इंटरव्यू लेती है, उससे पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका, तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट भी उसको करवाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो सीईटी स्कोर वहाँ भी आपका एलिजिबल होने वाला है, तो वहाँ भी आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, वुड ऑल्सो हेल्प सच ऑर्गेनाइजेशन इन सेविंग कॉस्ट एंड टाइम स्पेंड ऑन रिक्रूटमेंट। इससे क्या होगा कि एक तो वहाँ पे जो भी इसमें एप्टीट्यूड एग्जाम कंडक्ट कराने में रिक्रूटमेंट एजेंसीज को प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ से एक तो आप उनका कॉस्ट बचेगा और एक तरीके से टाइम भी बचेगा वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। नेक्स्ट इन्होंने बात करें कि इनिशियली द NRA टू कंडक्ट CET ट्वाइस ईयर, मतलब साल में दो बार आपका इनिशियली एग्जामिनेशन होगा, हर एक साल में दो बार ये एग्जामिनेशन होगा इनिशियली, बाद में या फर्दर इसमें कोई भी चेंज किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स, जनरेशन ऑफ रोल नंबर, एडमिट कार्ड्स, डिस्प्ले और मार्क्स, मतलब मेरिट लिस्ट एक्सेट्रा विल बी डन ऑनलाइन। इन्होंने यही कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन होगा एप्लीकेंट्स का, रोल नंबर जनरेट किए जाएंगे, एडमिट कार्ड, मार्क्स जो आपके डिस्प्ले होंगे वो सारे ऑनलाइन ही कंडक्ट होगा, ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होने वाला है। बल्क ऑफ स्टूडेंट्स या बल्क ऑफ कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीनड आउट ड्यूरिंग सीईटी, कि खूब सारे स्टूडेंट्स और जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ से मतलब स्क्रीनड आउट, मतलब बाहर निकाल दिए जाएंगे। कैसे निकलेंगे बाहर, देखिए मान लीजिए कि सीईटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, 1 करोड़ बच्चों ने एग्जाम दिया, अब IBPS मान लीजिए 50,000 ही सेलेक्ट करती है टीयर टू के लिए, SSC मान लीजिए 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट्स सेलेक्ट करती है टीयर टू टीयर थ्री के लिए, तो ये जो ऊपर टॉप वाले स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एक तरीके से स्क्रीनड आउट हो जाएंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे, जो भी अभी होता आ रहा है यही अभी फिलहाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इतना बेनिफिट मिल गया कि एक स्टूडेंट को बार बार एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी अ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, आपका MCQ फॉर्मेट में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। MCQ फॉर्मेट मतलब जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शंस में से आपको आंसर सेलेक्ट करना होता है, उस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस एग्जामिनेशन में। वही नेक्स्ट इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन स्पेशलाइज्ड एग्जाम विल गेट रिड्यूस्ड टू
नियरली 5% ऑफ द टोटल, मतलब जो भी स्पेशलाइज एग्जामिनेशन के लिए कोई कैंडिडेट अपियर हो रहा है तो वो कम से लगभग लगभग 5% रिड्यूस हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के। तो अगर बात करें एक सिंपल से साधारण से तरीके से बात करें कि एक बच्चा है जिसका नाम है श्याम नाम है, वो बच्चा IBPS की भी तैयारी कर रहा है, मतलब आपकी बैंकिंग की भी तैयारी कर रहा है, वो बच्चा आपके SSC की भी तैयारी कर रहा है, और साथ ही अगर बात करें वो बच्चा आपकी किसकी तैयारी कर रहा है, रेलवे की भी तैयारी कर रहा है। तो अब तक क्या होता है कि उसको तीनों एग्जाम के लिए फीस पेमेंट करनी पड़ती है अलग अलग, ठीक है, और फीस पेमेंट के बाद में उसको एग्जाम का उसका अलग अलग सेंटर आता है, उसको वहाँ ट्रेवल करके जाना पड़ता है, हो सकता है पास आ जाए हो सकता है दूर आ जाए, तो उसको ट्रेवलिंग के लिए दूर भी जाना पड़ता है, वो भी उसका पेमेंट लगता है, और रिक्रूटमेंट एजेंसी भी अलग है, जैसे SSC की बात करें बैंकिंग की IBPS है, टाटा है, SSC की भी टाटा है, हो सकती है और भी जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन Tier 1 का भी अलग है, तो वो भी एक स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब इन्होंने क्या करा है, अब इन्होंने ये कहा है कि हम एक CET एग्जामिनेशन करवाएंगे जो तीनों को मिला के होगा Tier 1 के लिए, Tier 2 Tier 3 आपका अलग होने वाला है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी अब तक करती आई है वैसे करती रहेंगी, लेकिन Tier 1 जो आपका फर्स्ट स्टेज है वो एग्जामिनेशन का फर्स्ट स्टेज जो है वो CET के थ्रू कंडक्ट होगा। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट CET और NRA के रिगार्डिंग पॉइंट्स। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।